दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी से आज आपके समक्ष एलर्जी के बारे में बात करने आई हूँ। एलर्जी वीक चल रहा है। एलर्जी किसको किसको होती है? एलर्जी बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी मिलती है, हर एज ग्रुप में हमें मिलती है, यंगर जनरेशन में भी अभी समय बहुत मिल रही है। एलर्जी के साइंस क्या है? एलर्जी में आंखों की एलर्जी जब होती है तो आंखों में लाली आती है, करकराहट आता है, आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, एक अनइजीनेस की फीलिंग आती है। आप पढ़ते हो या लैपटॉप मोबाइल पर बैठे हो तो आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो। अर्ली साइंस ऐसे ही आते हैं, लेकिन जब ये चीज़ बढ़ती है, खुजली होती है, जब ये चीज़ बढ़ती है तो आंखों में काफ़ी लाली आने लगती है, आंसू लगातार गिरने लगते हैं, साइंस जब बढ़ जाते हैं, पैपिले ज़्यादा आ जाते हैं और आपको बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। एट टाइम जब सीवियर हो जाती है तो आंखें खोलने में भी कष्ट होता है या लाइट की तरफ देखने में भी कष्ट होता है और बच्चे खूब मलते हैं। कई बार ये नवजात शिशुओं में भी मिलती है क्योंकि वो लगातार अपनी आंखों को मसलते रहते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि एलर्जी का कारण क्या है। कारण आपके गंदे हाथ भी हो सकते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में कुछ पॉलेंस घूम रहे हैं वो भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। बड़ों में या यंगर जनरेशन में आजकल हमें स्क्रीन टाइम बढ़ने से या कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप्स पे ज़्यादा रहने से एलर्जी होती है। आप इसका प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? आप अगर बच्चों में कभी खुजली ज़्यादा हो रही है या आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि शुरू में एलर्जी कंट्रोल करना आसान होता है बट जब वो सालों पुरानी होती है, कंट्रोल तो होती है लेकिन समय लगता है कंट्रोल करने में। और जिन लोगों का यंगर जनरेशन का अगर स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है तो आपको उसके बीच में ब्रेक्स लेना पड़ेगा, आंखों में आर्टिफिशियल टीयर्स इन बीच बीच में डालने पड़ेंगे, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट एडवाइस करते हैं वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन रगड़ना और मलना नहीं है आपको, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार पैपिले बड़े होते हैं तो घाव भी कर देते हैं, तो आपको इनको शुरू में ही पकड़ के इनको शुरू में ही स्टॉप करना होगा। उसके लिए बेस्ट है कि जब भी आपको कोई तकलीफ आती है तो आप अपने नेत्र चिकित्सक को दिखाएं और उचित ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।